एक गेमर्स आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एल्डर गेमिंग में। तो चलिए गेम खेलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ मैं यूटोपिया ओरिजिन के को नए और बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ में। तो गाइस आज हम वापस से खेल रहे हैं यूटोपिया ओरिजिन। और भाई आई नो भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा यूटोपिया ओरिजिन खेल रहा हूँ और मैं दूसरी गेम से भी भाई खेलूँगा, खाली यूटोपिया ओरिजिन ही नहीं खेलता रहूँगा। तो गाइस आज हम फाइनली यार टेम करने वाले हैं, एक मिनट, क्या टेम करना था मेरे को, लोल में भूल गया। हाँ, आइस किंग वेनम ड्रैगन टेम करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अभी हम फाइनली किंग वेनम आइस किंग वेनम ड्रैगन को टेम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ फीड का। भाई मैंने सारा के सारा फीड का बंदोबस्त कर लिया है। ठीक है, टर्टल एग एक्चुअली भाई मेरे को मिल नहीं रहे थे। ठीक है, और टर्टल एग और फॉरेस्ट फ्लावर तो भाई मिल गया था मेरे को इजिली, लेकिन टर्टल एग भाई नहीं मिल रहे थे। बिकॉज भाई जितने भी थे सारे मैंने खरीद लिए और भाई मेरे पास टोटल 48 है ना, तो 48 मेरे पास आ पाए। ठीक है, और बाकी आइस प्योर वगैरह मेरे पास में पहला का पड़ा था। तो ये तीनों चीज़ों से भाई बन जाएगा अपना आइस किंग वेनम ड्रैगन का फीड। एंड उसके बाद में अभी मैं सारे के सारे पहले फीड बना लेता हूँ। एक्चुअली टोटल 48 नहीं चाहिए रहेगा, उससे ज़्यादा ही चाहिए रहेगा। कितना एक्चुअली 50 या 51 उतना ही आई थिंक उसके आसपास। तो भाई बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीड मैं भाई खरीद लाया था ट्रेडिंग हॉल से। जितना भाई मेरे पास फीड का बंदोबस्त हुआ वो सारे के सारे मैंने फीड ले लिया। एंड उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फीड घट रहा था भाई वो मैंने ट्रेडिंग हॉल से रेडीमेड ही खरीद लिया। ठीक है, तो आज फाइनली भाई हम आइस किंग वेनम ड्रैगन टेम करने वाले। और ये बंदा एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाई जितने भी नॉर्थ आइलैंड के बंदे होते हैं ना भाई, वो 60 से 65 लेवल के आसपास होते हैं और भाई बहुत ही अच्छा डैमेज करते हैं एक्चुअली में भाई। तो इसीलिए मैं इस बंदे को टेम कर रहा हूँ और इसको मैं एज अ पेट यूज़ करने वाला हूँ। और अगर अच्छा स्टैट का मिलेगा तो, बाकी लो स्टैट करेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। बाकी मेरे को अच्छा स्टैट चाहिए, बिकॉज ये बंदा मेरे को फाइट के लिए यूज़ करना है। तो मेरे को इस बंदे का डैमेज काफ़ी हाई होना चाहिए। डैमेज हाई रहेगा तभी भाई इस बंदे को हम यूज़ कर पाएंगे। बिकॉज मैक्स लेवल करूँगा तो भाई डैमेज अच्छा खासा होना चाहिए, एटलीस्ट कितना 130 to 140 to 150 के आसपास भाई होना चाहिए। 130 से तो ऊपर ही डैमेज होना चाहिए, तो भाई इस बंदे का काफ़ी मस्त यूज़ रहेगा। चलो भाई फीड बनने में ही आधा घंटा लगता है भाई, उससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ भाई अभी। ओके, तो बन चुका है अपने पास में टोटल 48 फीड एंड बाकी का बचा कुचा। अबे खुल जा भाई, क्या लेगा भाई खुलने के लिए, भाई हद है यार। ओके खुल गया, चलो। तो बाकी का सारा बचा कुचा 7 फीड और मैंने बाई किया था, तो इस टाइम पर हमारे पास में हो चुका है टोटल 55 फीड, जो कि इनफ है आइस किंग वेनम ड्रैगन को टेम करने के लिए। तो अभी हम चलने वाले हैं भाई आइस किंग वेनम ड्रैगन को टेम करने के लिए। और उसके अलावा भाई एक और चीज़ है वो भी, अरे एक मिनट, कुछ तो भी सेल हुआ। ओके ठीक है, मेरा पर्पल विंग ड्रैगन सेल हो गया है। ठीक है भाई, इसको मैंने कितना 120 गोल्ड पे बेचने के लिए लगाया था, तो भाई बिक चुका है अपना भाई पर्पल विंग ड्रैगन। क्या बात है, 2 इवोल्व वाला जो मैंने इवोल्व किया था भाई, इवोल्व तो नहीं किया था एक्चुअली, मर्ज किया था भाई वो वाला। ठीक है, तो अभी ये सब कुछ रख देता हूँ और भाई मेरे को सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोटेक्शन लेके आना है। तो भाई मैं सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोटेक्शन लेके आता हूँ, उसके बाद में भाई आगे का काम काज करते हैं भाई। ऑलराइट, तो मिल चुका है भाई अपने को एलिमिनेशन प्रोटेक्शन। तो अभी भाई अपना स्टफ वगैरह ड्रॉप नहीं होगा अगर कोई भाई बंदा आके भाई अपने को धोने लगे तो। ठीक है, बिकॉज भाई मैं भी आजकल भाई बंदों को बहुत धो रहा हूँ पूरी तरीके से भाई। मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई 55 फीड आ चुका है और उसके अलावा भाई एक और चीज़ मेरे को लेने की है, जो कि भाई पूर्वजीत ने चेस्ट लगा के रखा है, उसी चेस्ट में से मैं लेने वाला हूँ। और भाई वो चीज़ है, वैसे ये सारी चीज़ें नहीं, ये चीज़ है। ठीक है, तो स्नेर मेरे को लेने का है। बाकी पूर्वजीत ने भाई पूरा का पूरा क्रिस्टल जाइंट के लिए भाई सारा बंदोबस्त करके रखा है, उसने फीड वगैरह और अलग अलग भाई क्रिस्टल जाइंट के लिए जो जो चीज़ें लगती है ना, मैक्सिमम चीज़ें भाई उस बंदे ने भाई जमा करके रखती है। तो भाई अब इसके बाद नेक्स्ट पेट मर्ज जो रहेगा वो भाई लगभग क्रिस्टल जाइंट का ही मैं करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पुरोजित ने ऑल सब रेडी करके रखा है, तो भाई वही चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी घटती चीज़ें हम ले आएंगे। और उसके अलावा भाई एक ये है भाई एपिक वल्लासिकल, फाइनली भाई मैं ले आया हूँ एपिक वल्लासिकल। ठीक है, बिकॉज अपनी जो ऑब्सीडियन वाली थी उसका डैमेज कम था और भाई अभी हमारे पास में फाइनली आ चुकी है वल्ल्या की सिकल और पूरा वल्ल्या का आर्मर। तो भाई इस टाइम पे हम
कतई मैक्स आउट हो चुके हैं देखा जाए तो। खाली लेजेंडरी वाला लेजेंडरी वाली चीजें नहीं है बाकी भाई, मैक्सिमम अवेलेबल की जो जो चीजें भाई वो सारी चीजें हमारे पास में आ चुकी है। एंड कोई बात नहीं, चलो भाई लेजेंडरी के लिए बाद में मैं कुछ करूंगा ठीक है, फिलहाल तो यार उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑल राइट ठीक है, तो अभी अपन चलने वाले हैं नॉर्थ में, और उसके बाद में भाई हम सबसे पहले तो भाई उसकी लोकेशन मेरे को देखनी पड़ेगी। लोकेशन एक्चुअली कोने पे कॉर्नर पे ही रहता है। ऑल राइट तो हम आ चुके हैं भाई फाइनली नॉर्थ के अंदर, और इसकी लोकेशन एक मिनट इधर से ओके ठीक है, इधर नीचे के साइड में तीनों तीन जगह पे भाई मिल सकते हैं कॉर्नर पे ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं भाई उस लोकेशन पे, पहले पहुंचता हूँ मैं और उसके बाद में हम टेम करते हैं आइस किंग वेनम ड्रैगन को। वैसे मिल जाना चाहिए यार आइस किंग वेनम ड्रैगन, तो इतना ज़्यादा रेयर नहीं है। और उसके अलावा मेरे पेट, अरे यार इन्वेंट्री क्यों खुलती है, मेरा पेट वेट की जगह तो भाई खाली है ना, कहीं पता चले भाई सारे के साथ फीड भी चला जाओगे खाली है। मैंने एक न्यू एम्परर लिया था और भाई मैंने अपने माउंट के 2 स्लॉट इंक्रीज कर दिए बिकॉज ट्रेनिंग हॉल पे सस्ते में मिल रहे थे, तो भाई मैंने बढ़ा लिए ठीक है। और ये है भाई हमारा ट्रायल वाला यूनिकॉर्न भाई, जो कि अपने को ट्रायल में मिला है 7 डेज के लिए, आई थिंक 7 डेज था, हाँ यार 7 डेज का था यूनिकॉर्न ट्रायल वाला, तो भाई मैंने यूज़ कर लिया है। बाकी यार मेरे को तो भाई मेरा खुद का यूनिकॉर्न चाहिए, ऐसे भाड़े पे यूनिकॉर्न नहीं चाहिए भाई। गेम वाले भाई भाड़े पे यूनिकॉर्न दे रहे हद है भाई, वो भी फ्री में। ऑल राइट ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ भाई, मेरे को इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा ठीक है, चलो इधर आगे की साइड में मिल जाएगा मेरे को। तो चलो पहले पहुँचता हूँ एक आधा आइस किंग वेनम ड्रैगन ढूंढता हूँ। ऑल राइट तो मिल चुका है अपने को भाई आइस किंग वेनम ड्रैगन, जो कि भाई हमारे सामने कतई बड़ा बड़ा दिखाई देता है भाई, ये दूर से ही भाई नजर आ जाता है भाई, इतना बड़ा है ही ये। तो अब हम इस बंदे को टेम करने वाले हैं। वैसे नॉर्मली बंदे आइस किंग वेनम ड्रैगन को इतना ज़्यादा टेम वेम तो नहीं करते होंगे, वैसे करते होंगे बिकॉज हाँ करते ही होंगे ना यार। तो मैं कौन सा पेट निकालूँ, चलो न्यू पैम्परर निकाल लेते हैं, अरे न्यू पैम्परर नहीं निकालना था मेरे को, वाइट टाइगर निकालना था, चलो कोई बात नहीं। तो न्यू पैम्परर भाई कम से कम बंदे को स्टंट तो कर ही देगा, तो चलो भैया फटाफट से क्रिटिकल, अरे भाई ये मैं ड्रामे क्यों कर रहा हूँ भाई 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 तेरी तो ऐसी की तैसी भाई, इतना गंदा मारता है क्या बद्दा हेल। अरे यार मैंने आर्मर ही इक्विप नहीं करके रखा है, मैं क्या ही बोलूँ। अबे भाई बस कर यार, कितना मारेगा, आसमान पे उड़ रहा हूँ भाई फिर भी मारे जा रहे हैं गधेड़ा कहीं का। ऑल राइट तो आर्मर भैया इक्विप करना हमेशा अनिवार्य है, वरना अपनी ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई। लोल मैंने सोचा भाई इतना गंदा डैमेज तो भाई मुझे कभी नहीं किया इस बंदे ने, एकदम से भाई हाफ HP उड़ा दी भाई। मैं वही सोचूं यार, पहले मैं ऑब्सीडियन के आर्मर पे आता था, उसके बाद भी भाई मैं आराम से इस बंदे को मार के जाता था, और भाई आज वल्या का आर्मर होने के बाद भी भाई सीधा हाफ पॉइंट HP कैसे उड़ा गया भाई ये बंदा। ऑल राइट ठीक है चलो, तो भाई आर्मर भाई भूलना कभी नहीं चाहिए। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ एक वाइट टाइगर बिकॉज भाई दूसरा बंदा मेरे को नहीं चाहिए, ये अपना भाई वाइट टाइगर कतई हाई डैमेज करता है ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बंदे को यूज़ करने वाला हूँ। और इस बंदे को मैं सबसे पहले तो भाई करना चाहता हूँ स्टंट, ओके हुआ ना ओके। तो ये अपने भाई मैजिक रून मैजिक वगैरह भी भाई मेरे को इंक्रीज करने के, बिकॉज इंक्रीज क्या ही बोल रहा हूँ, लेवल अप करना है मैजिक। अब भाई भाई भाई, भाई। ओके चलो अभी इतना डैमेज नहीं हो रहा है ठीक है, तो मेरे को मैजिक भी भाई इंक्रीज करने का है। बस कर भाई 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 भाई, भाई मर जाएगा भाई बंदा। अरे नहीं यार मैं क्या ही ड्रामे कर रहा हूँ, शिट एक मिनट रुको यार। अबे भाई स्टंट हो जा। ऑल राइट ठीक है, PC में यार हमेशा यही लोचा होता है, मैं कौन सी की दबाना चाहता हूँ और मैं कौन सी दबाता हूँ। मैं एक्चुअली स्नेर वाली की यूज़ कर रहा था, और वहाँ पे पहले मैंने एक आधा धोखा रखा था हाँ स्टंट करने के लिए, और उसके बाद मैंने वहाँ पे भाई स्नेर रख दिया, तो वही मैंने लोचा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, चलो तो अभी ये बंदा ओके ठीक है, चलो स्नेर ले लो और भाई टेम हो जा। फाइनली ये बंदा टेम हो चुका है, इस बंदे को निकाल के इसके स्टैट्स क्या है भाई, स्टैट्स देख लेता हूँ। ओके तो 3.4 और 1.7 ओके HP काफ़ी मस्त है भाई, लेकिन अटैक थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, HP तो काफ़ी हाई लग रही है, HP 3.4 है मतलब 3,500 लेकिन अटैक इसका थोड़ा सा कम लग रहा है।
चलो इसके बंदे का मैं चेकआउट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को इसका लेवल अप करना है, ठीक है, लेवल अप करके उसके बाद ही मैं चेक कर सकता हूँ ना यार कि ये बंदा कितना डैमेज करेगा, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ भाई, मैं ट्रेडिंग हॉल पे जाके भाई चेकआउट करके आता हूँ हाईएस्ट डैमेज करने वाला बंदा भाई उसके स्टैट्स क्या रहे। तो थोड़ा बहुत भाई पहले इस बंदे का मैं लेवल अप कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में भाई पहले तो मैं लेवल अप कर देता हूँ, उसके बाद में भाई चेक करके आएंगे, ठीक है। तो इस बंदे का ये 35 पेट फूड है, तो कम से कम कितना 20 के आसपास लेवल अप हो जाना चाहिए, शायद हो तो जाएगा। और फिर ये बंदा एक्चुअली पीवीपी के लिए ही मेरे को चाहिए, तो भाई इसका एचपी कम होगा तो चलेगा, लेकिन अटैक काफ़ी मस्त होना चाहिए, ठीक है। ओके 23 हो गया, ठीक है, और 51-53 का डैमेज कर रहा है ये बंदा। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं हेल्थ पे और भाई अपन उधर ही चेकआउट करते हैं ये बंदे को। वैसे चेक करने की ज़रूरत क्या भाई, चीज़ें तो भाई पता ही है कितनी क्या है। तो भाई मैं चलता हूँ ट्रेडिंग हॉल पे, ठीक है, और ट्रेडिंग हॉल पे जाके भाई पहले मैं देख के आता हूँ भाई हाईएस्ट डैमेज करने वाले बंदे भाई कितना डैमेज करते हैं। और अपने पास एलिमिनेशन प्रोटेक्शन है, तो भाई कोई टेंशन है ही नहीं मरने की, अपना स्टफ भाई ड्रॉप नहीं होगा। ओके, तो आइस किंग वेनम ड्रैगन पेट केज यहाँ पे है, और इसमें से 60 गोल्ड कॉइन में मिल रहा है, 3.3 की एचपी और 1.8 का डैमेज है। ऑल राइट, ठीक है, और भाई दूसरे में अगर मैं देखूँ तो 3.3 एचपी और 1.7 का डैमेज है। ओके ठीक है, काफ़ी महंगा है भाई फिर। और हाईएस्ट अगर देखो तो 3.3 और 1.9 का डैमेज है भाई साहब। ऑल राइट, और ये अगर 1.3 और 1.8, ओके, मतलब अटैक यार काफ़ी कम है भाई फिर अपने बंदे का, ठीक है, 1.7 का ही अटैक है। और यहाँ पे भाई जो हाईएस्ट स्टैट वाले बंदे हैं उनमें भाई अटैक काफ़ी मस्त है। और अपने को भाई ये बैटल पेट चाहिए, तो भाई अटैक ही मस्त होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका अटैक, एक मिनट भाई मैं दूसरे देखूँ तो भाई इसका कितना 140 और 147 इसका डैमेज है, ठीक है, 1.9 वाले बंदे का है, ठीक है भाई, मतलब काफ़ी मस्त डैमेज है यार फिर तो। और ये 1. एक मिनट ये वाला मैं देखूँ तो भाई मैं सोच रहा हूँ इस बंदे को मैं खरीद लूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला भाई 1.8 का इसका अटैक है, ठीक है, और 1.8 का अगर जो बंदा हो तो, ओके कौन सा था, ये था ना, तो 1.8 का जो बंदा है वो भाई 140 के आसपास भाई डैमेज कर देगा मैक्स आउट होके। तो भाई ऑलराइट, तो भाई ये बंदा मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है भाई, और भाई मैं अपने बंदे को बेच दूंगा, ठीक है, बिकॉज इसकी इसका अटैक काफ़ी मस्त है, ठीक है। मेरे वाले बंदे का भाई अटैक कम है, एचपी काफ़ी ज़्यादा है, एचपी एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अटैक यार इस मेरे बंदे का कम है, तो भाई इसलिए इस बंदे को मैं सेल कर दूंगा। और भाई वो जो मैंने खरीदा है 1.8 वाला उसको भाई मैं यूज़ करूँगा, ठीक है भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, उल्टे सीधे ड्रामे। ऑल राइट, ठीक है, तो अभी निकलते हैं इधर से, और भाई अब चलो हेड पे मिलता हूँ मैं, मेरे को एक काम और करने का है भाई यार, एक भी पेट केज खाली नहीं भाई, मेरे को उसको क्लियर करने का है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी मैं चलता हूँ हेल्थ पे और भाई वहीं पे सारा कामकाज फिनिश करके आगे काम करते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैंने पूरा एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, और ये है भाई अपना आइस किंग वेनम ड्रैगन, जो कि भाई 1.8 का डैमेज करता है, और ये मैक्स आउट होने के बाद में आई थिंक 130 से ऊपर ही डैमेज करेगा, ठीक है, 135 से 140 के आसपास ये बंदा डैमेज करने वाला है। तो भाई इस बंदे को मैं लेवल अप कर दूंगा बाद में, ठीक है, बिकॉज इसको लिए मेरे को पेट फूड यूज़ करना पड़ेगा दूसरे अकाउंट से, तो भाई वो सब ड्रामे बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, और इतना सारा कंट्रोल वगैरह भाई बाद में करूँगा। तो अभी पता है मेरे को एक मस्त वाला काम काज करने का, तो चलो सबसे पहले मैं सारा मटेरियल ले लेता हूँ भाई, मेरे को एक तो ये चाहिए और रेसिन, और मेरे को एक और चीज़ चाहिए थी, एक मिनट, इसी में तो थी भाई, मेरे को आयरन बार चाहिए, ठीक है, तो आयरन बार ले लेता हूँ। और अभी हम एक कतई नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है, तो मैं पहले देख लेता हूँ, ओके मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, ठीक है, तो पियानो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, तो भाई पियानो यार मैं सोच रहा था यार, 2-3 दिनों से मैं सोच रहा था बनाऊँ, फिर मैं सोचा चलो वीडियो में ही बनाऊँगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत पियानो बजाऊँगा अभी मैं, एंड देखते हैं भाई मैं कैसा पियानो बजा पाता हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले भाई हम बना लेते हैं एक पियानो, और उसके बाद में हम बजाते हैं भाई पियानो को, टिंग 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 टिंग। वैसे गेम का साउंड तो आ ही नहीं रहा है, लोल, अरे यार गेम का साउंड तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा भाई, इसके लिए मेरे को कुछ और करना पड़ेगा क्या? हाँ यार गेम का साउंड नहीं आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग में गेम का साउंड एक्चुअली क्लोज करके रखा है, मैं जरा सेटिंग कर लेता हूँ पहले, रिकॉर्डिंग में भाई गेम का साउंड आए। ऑलराइट, ठीक है, अभी आई थिंक अपना पियानो का साउंड सुनाई देगा, ठीक है, चलो, तो अरे लोल मैंने ये
कर क्या दिया, एक मिनट भाई मैं जरा अच्छे से सेटिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है ये। ऑल राइट, तो अभी हम बजाने वाले हैं भाई पियानो, और लेट मी सी भाई मैं कैसा पियानो बजाता हूँ। अरे लोल, ओके ठीक है। तो इस तरीके से ये लुकिंग वाइज मस्त लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नोट आउट नोट चेक करते हैं, ओके ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ओके ठीक है। सातों सात नोट बरोबर, फिर ये ओके ठीक है। तो दो ऑक्टिव है, एक तो मीडियम वाला है फिर एक हाई ऑक्टिव है। तो अपन इसमें कोई मस्त सी धुन बजा के ट्राई करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद ही मैं मस्त धुन बना पाऊंगा। चलो देखते हैं, एक मेरे दिमाग में धुन है तो उसको मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अरे लोल, मैं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, सॉरी। अरे ऐसे भी नहीं था। ओके ये था ना। ओके ये भी काफी सही था। फिर आगे क्या था? अरे यार आगे का मैं नोट ही भूल गया, शेट। कैसे था भाई ये? एक्चुअली ये धुन काफी मस्त है, ये एक तरीके का राग है, ठीक है। जो सिंगिंग की प्रैक्टिस होती है ना भाई, उसमें राग यूज होते हैं, वो राग राग में बजा रहा हूँ उस टाइम पे। अरे ओके ठीक है। तो अब मैं कोई दूसरा, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है क्या भाई, म्यूजिक बजाना है भाई आज। कोई नोट्स वगैरह याद आ जाए भाई। कौन कौन सा टाइप का म्यूजिक था? ओके ठीक है भाई, बहुत हो गया यार अभी। यार मेरे को धुन यार यहाँ पे बजाने में इतना कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, तो भाई यही था भाई अपना पियानो। आई होप यार थोड़ा बहुत मजा आया होगा भाई। मेरे को तो यार कुछ इतना कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रहा है, बिकॉज पियानो में जो नोट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, और यहाँ पे भाई नंबर्स में नोट्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली नंबर ही लिखे हुए हैं नोट्स के ऊपर। ओके खैर कोई बात नहीं। तो एक और काम मेरे को लास्ट काम बचा हुआ है, ठीक है, वो भी मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो अरे खुल जा भाई, अरे यार कितना ड्रामे होते हैं, ठीक है चलो। तो इधर से मैं एक ले लेता हूँ, या फिर मैं सोच रहा था इसको मैं बाद में ही यूज करूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ भाई। ओके तो दो चीजें हैं मेरे पास में, ठीक है, और वो दो चीजें और मेरे को करने की है सबसे पहले, ठीक है। अब पियानो वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। किधर गया भाई? ओके ठीक है। तो एक तो ये क्ले टेबल है, ठीक है, ये मेरे को वहां पे सबमिट करके आने की है लाइब्रेरी में, ठीक है। और एक ये मैंने बनाया था अनकन्फाइड एपिक स्कॉलर रूइन स्टोन, ठीक है। तो ये स्कॉलर है, रूइन है ये, एकदम मैक्सिमम जो रूइन रहता है भाई ये वो वाला है। इसमें बस खाली एपिक वाला मिला यार मेरे को, लेजेंडरी नहीं मिला, वरना भाई मजे आ जाते। कतई मैक्स आउट वाला जो भाई मैजिक रूइन स्टोन होता है ना भाई, वो हो जाता। तो ही मैं ये सोच ये रहा हूँ इसको यूज कर लूँ या फिर सेल कर दूँ, बिकॉज यूज कर लूंगा तो उसके बाद मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो भाई इसको आइडेंटिफाई करूँ या ना करूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। क्योंकि इसको सेल करूंगा तो भाई 250-300 के आसपास भाई ये बिक जाएगा, और अगर मैं यूज कर लूंगा तो भाई 250-300 वेस्ट हो जाएंगे गोल्ड कॉइन। वैसे मैं सोच रहा था अगर लेजेंडरी बनेगा तो भाई फिर मैं यूज करूंगा, फिर देखा जाए तो भाई लेजेंडरी सेल करना चाहिए और इसको यूज करना चाहिए।
क्या करूं क्या ना करूं भाई, अजीबो गरीब दुविधा में मैं पड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, मेरे पास में फिलहाल है कौन सा, इसमें एक मिनट किधर गया भाई। हाँ ये रहा, ये है ना मेरे पास, ये एक्सपर्ट रून स्टोन है, ठीक है। ये 50 का डैमेज करता है और ये है, ये 54 डैमेज करता है। बस खाली 4 का डिफरेंस है भाई। हद यार, मतलब भाई एक मिनट, इसमें मैंने कौन कौन से लगा रखे हैं। इसमें फिलहाल वाटर और अर्थ दो है, ठीक है। वाटर वाले में 33 और अर्थ वाले में 47 है। चलो यार यूज़ कर लेते हैं भाई, क्या ही कंजूसी करनी। ओके ठीक है, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने बनाया था बड़ी मुश्किल से, तो भाई इसका पूरा मटेरियल कलेक्ट हुआ था। इसमें वो क्या बोलते हैं, रूइन स्टोन चाहिए रहते हैं, नहीं स्कॉलर रूइन चाहिए था और उसी का एक्सिलार चाहिए था। तो दो चीज़ें होने के बाद में भाई, तब जाके ये वाला जो स्कॉलर है ना भाई, क्रिस्टल स्कॉलर रूइन क्रिस्टल है ना भाई, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर खरीदने जाए तो भाई बड़ा महंगा बिकता है। ऑल राइट, तो मेरे को किधर से करने का था, एक मिनट भाई, मेरे को आइडेंटिफाई करना है ना। ओके ठीक है, ये रहा रून स्टोन आइडेंटिफिकेशन, इसको मैं कर सकता हूँ क्या। एक मिनट, ये डीकम्प्रेशन से क्या होता है। मैं एक्चुअली अर्थ और वाटर दो रूइन ही यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, दो ही मैजिक यूज कर रहा हूँ। ओके ये थंडर वाला भाई देखेंगे, ठीक है। ओके फिलहाल मैं ये सारे के सारे जितने भी एंट्री लेवल वाले हैं ना भाई, ये सारे डिकम्प्रेस कर ही देता हूँ, ठीक है। और अपन भाई इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, चलो स्कॉलर रूइन का। चलो कम ऑन भाई, कुछ मस्त सा रूइन देना। ओ भाई साहब, स्ट्रेंथ ऑफ फायर रूइन विंड और थंडर, कम ऑन मैन, मेरे को अर्थ चाहिए था यार। अर्थ यार बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज हम बंदों को स्टन कर सकते हैं भाई डायरेक्टली। और यार इसमें अर्थ ही नहीं मिला भाई, हद है यार। डीकंप्रेशन करूंगा तो स्कॉलर रून क्रिस्टल के फ्रैगमेंट 3 भाई, हद है यार। मतलब 5 फ्रैगमेंट से भाई एक स्कॉलर रून बनेगा। ओके कोई बात नहीं, तो इसमें मैं कौन सा फायर और विंड और थंडर में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे भाई साहब डैमेज तो यार सब काफी हाई है यार। ऑल राइट ठीक है, चलो तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेकआउट करता हूँ इसका मैजिक वगैरह, ठीक है। तो इस चीज को एक मिनट, इसमें से पहले मैं मैजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई दूसरा वाला। ओके तो एक तो फायर का मैजिक है, ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा एक विंड वाला था ना उसमें, ठीक है, तो एक विंड वाला भी मैं इधर इक्विप कर लेता हूँ। दूसरा वाटर तो उसमें था नहीं, और ये रॉक, ओके ठीक है, एक ये रॉक वाला भी है, इसको भी हम अभी टेस्ट, नहीं ये रॉक तो भाई अर्थ है ना, ठीक है। चलो तो अभी इन दोनों को भाई हम चेकआउट करते हैं भाई, कैसा क्या डैमेज वगैरह है। डैमेज क्या भाई, मेरे को देखना है कि ये कैसा काम करेगा। ओके ठीक है, फायर तो दिया और उसके अलावा कुछ भी फायर वगैरह तो दे भाई। ओ भाई साहब ठीक है, ये 67 का डैमेज किया भाई इसने। ओ भाई साहब, अरे फायर का तो कतई हैवी अटैक है भाई। ऑल राइट ठीक है, तो मैं नॉर्मली ऐसे ये दो मैजिक भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बंदों को मारने के लिए। मतलब ये फायर वाला तो भाई कतई मस्त है, बस खाली एम होना चाहिए, वरना भाई फालतू में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को मेरा भाई अर्थ वाला चाहिए, बिकॉज अर्थ में भाई मैं स्टन कर सकता हूँ बंदों को भाई। इसके लिए मेरे को चाहिए यार 2 सेकंड, एक मतलब कितना, 1 सेकंड का भाई स्टन होता है, और भाई वो कतई मस्त होता है। ओके तो एक मैं अर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेवल 1 का ही हूँ फिलहाल, या लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक के सारे मैजिक भाई मैंने अभी तक नहीं किए, तो क्या ही बोलूँ। तुमसे ना हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, चलो मैं कर लूंगा यार लेवल, अब मेरे को करना पड़ेगा। चलो रोक वाला मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है, टर्न होता है ना, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम दो रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रून वगैरह। और उसके अलावा अभी हम मेरे को क्या करने का था, एक मिनट। हाँ मैंने वो क्ले टेबल लिए ना, वो एक्चुअली मेरे को जाने का भाई, और एक मिनट मेरे पास, मैं पहले देख लेता हूँ मेरे पास में ये पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो तो अभी अपन चलने वाले हैं भाई एक जगह पे, जहाँ पे हम वो करेंगे क्ले टेबल डोनेट करेंगे, मतलब डोनेट या फिर आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, आई डोंट नो, जो भी होगा वो करने का। तो अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में, वहाँ पे लाइब्रेरी है एक, और उस लाइब्रेरी में भाई हमारा कामकाज होने वाला है। तो चलो पहुँचता हूँ मैं वहाँ तक, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और वैसे भाई ये वाला एरिया भी काफी मस्त है यार, ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये वाले जो ट्री है ना भाई, ये मेरे को कतई ब्यूटीफुल लगते हैं यार, जंगल वाले ट्री। मैं सोच रहा था इधर किसी एरिया में भी भाई कभी रहूँ मैं, ठीक है, मैंने मैक्सिमम नॉर्मल एरिया में या फिर स्नो बायोम में ही रुका हूँ।
तो ये जंगल वाला जो इलाका है भाई, यहाँ पे मैं रुकने का सोच रहा हूँ, तो कभी ना कभी भाई इधर जंगल वाले इलाके में भी हम रुकेंगे। एंड इधर भाई ये जंगल वाला इलाका भी मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इसके जो ट्री है ना भाई, ये ट्री मेरे को बहुत मस्त लगते हैं। तो ये वाला जो आइलैंड है यहाँ पे अपने को भाई वो करने का है। अरे यार एक मिनट, ये क्या ड्रामे है। ओके, तो यहाँ से भाई अपने को क्ले टेबल जितनी भी अपने को मिलती है भाई, वो सारी की सारी यहाँ सबमिट करने की रहती है। तो भाई यहाँ से अपने को अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। और ये क्ले टेबल कौन सी, ओके ये वाली, ठीक है। तो ये भाई अपने को अंडर वाटर में मिलते हैं, वो कौन से बंदे को मारने से मिलते हैं, वो एक जो राइडर रहता है, आई थिंक राइडर से मिलते हैं या फिर किसी से, भाई पता नहीं, बहुत सारे बंदे हैं भाई उसमें अंडर वाटर में, तो भाई वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। किसी ना किसी को मारना भाई मिल ही जाएंगे। एक मिनट अभी मैं दिखा दूंगा, चलो कौन से बंदे से मिलते हैं, पहले मैं पहुँच तो जाऊँ अंदर, थोड़ा सा सेफ हो जाऊँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये है भाई अपनी लाइब्रेरी यूटोपिया ओरिजिन की, एंड एंट्री इधर ही से होगी। ओके, नाउ आई एम सेफ। अरे भाई गेट बंद क्यों है भाई। ओके, पीछे से जाना पड़ेगा शायद मेरे को, मतलब आगे से जाना पड़ेगा, मैं साइड से जा रहा हूँ, लोल। ऑल राइट, ठीक है। तो भाई ये है अपना उल्लू, पता नहीं क्या मुर्गा या वॉट एवर जो कुछ भी। चलो तो इसको क्ले टेबल है ना, तो क्ले टेबल हम डोनेट करेंगे। ऑल राइट, तो सारी साइड टोटल 30 डोनेट कर सकते हैं हम, या फिर उससे ज़्यादा कर सकते हैं, आई डोंट नो। चलो मैं सारी पहले डोनेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं सारे के सारे रिवॉर्ड्स क्लाइम कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं देखते हैं आगे और कुछ भी होता है या नहीं। ऑल राइट, सारे के सारे 30 तो कर दिए मैंने, और भी अभी ये इसको मैं दे सकता हूँ। ओके ठीक है, तो भाई सारे के सारे तू ले ही ले यार। चल भाई एक मिनट यार, कहीं फालतू में तो नहीं दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चार ही तो है भाई, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओके, तो ये मेरे को मिला है, चलो भी चारों चार चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं भाई क्या क्या है। ओके, फ्रेम भी मिल गई अपने को एक न्यू, भाई ये फ्रेम मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और ये रैपिड पेज भी मेरे को देने के हैं। ओके, रैपिड पेज से भाई मेरे को ये मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो क्लिप टेबल देने से भाई अपने को ये रिवॉर्ड मिल गए, ठीक है, और उसके बाद रैपिड पेज दे के भी हम रिवॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो रैपिड पेज भाई थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, क्ले टेबल तो भाई सस्ती थी, तो भाई मैंने थोड़ी बहुत बाई की थी और थोड़ी बहुत फार्म की थी, तो भाई मिल गई थी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या भाई अपने आँख पे पहनने के लिए, ये सर का ताज है, चलो देख लेते हैं भाई जो भी है। अरे लोल, ये क्या है भाई, ये तो लेडीज टाइप का है भाई, व्हाट द हेल। अरे यार ये क्या ड्रामे है भाई, मेरे को लगा था सर का ताज होगा भाई, मतलब ये क्या भाई आंखों के ऊपर, भाई ये क्या भाई, बंजारा जैसा लग रहा, फील आ रहा है। लोल भाई कहाँ गया मेरा चश्मा, वेयर इज माय चश्मा, ये वाला नहीं भाई, वो गोल्डन, अरे किधर गया भाई। ओके ठीक है, तो ये कूल ग्लासेस भाई अपने कूल लगते हैं, ठीक है, वो दूसरे वाले भाई वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया। ओके, तो यहाँ से मेरे को और दो तीन चीज़ें मिली ना, ओ भाई साहब ये कतई मस्त लगेगा ये। चलो दोनों ही चीज़ें मैं इक्विप कर लेता हूँ, ठीक है। और टाइटल में क्या मिल रहा है, स्ट्रेंजर, वेरी गुड भाई स्ट्रेंजर, क्या बात है स्ट्रेंजर। चलो स्ट्रेंजर यूज़ नहीं करना मेरे को, बस खाली ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो अपना टाइटल यूज़ नहीं करना, एक तो ये यूज़ करना है, ठीक है। कतई ब्लू कलर अपना फेवरेट, और अवतार फ्रेम भी मैं ऐड कर देता हूँ, ये वाली क्या बात है। ओके, इसको कर दो इक्विप भाई साहब, ये अपने को बहुत ही आगे चल के भाई मिल सकता है। और ये भाई साहब मस्त मस्त फ्रेम है यार, लोल। मैंने देखा ही नहीं। और हाँ यार, मेरे को ये नोटी फेरी वाला ये अगर मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। इसके लिए मेरे को नोटी फेरी फाइंड करके भाई मारनी पड़ेंगी, उसके बाद में मिल सकता है। ऑल राइट ठीक है, तो अभी मैं क्या इसको इक्विप करूँ या फिर। ओके, फनी पम्पकिन हेड, ये भाई मस्त लगता है पम्पकिन हेड अपने को। ऑल राइट ठीक है, तो अभी सारी सारी चीज़ें हो चुकी है। और हाँ, क्ले टेबल किस बंदे को मार के मिलती वो भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो हाँ ये वाले बंदे को मार के भाई अपने को क्ले टेबल मिल जाती है, ठीक है। और ओ एक्चुअली भाई इन सभी बंदों को मार के मिल जाती है क्या। ओके ठीक है, इन सभी बंदों को मार के मिल जाती है, बस ये वाले बंदे से दूर रहना, क्योंकि ये मैजिक वाला है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। भाई एक साथ में पांच पांच आ गए थे भाई, मैं सभी पे टूट पड़ा, और भाई मैं तो नहीं टूट पड़ा लेकिन भाई वो बंदे टूट पड़े मेरे पे। ओके, तो ये वाला जो बेसियन कोकोनट हेरमैन क्रैब है, इससे अपने को ये मिलते हैं, टच ऑफ द ओल्ड डेज।
ओके भाई साहब, ये चीज अपने को थोड़ी बहुत चाहिए रहेंगी, बिकॉज इन फ्यूचर हम डेफिनेटली भाई टीम करेंगे। और ये कि इसमें से अपने को ये वाले सी ऑफ कैल वगैरह वगैरह वॉट एवर जो भी हो भाई वो मिलता है, ठीक है। तो ये है भाई क्लूना। वाओ कतई ब्यूटीफुल, इस बॉस को धोने का मन कर रहा है। ऑल राइट ठीक है, तो क्ले टेबल इसमें से मिलती है, ठीक है। और वो रैपिड पेज भाई मिलेंगे टीरेक्स और डार्क टीरेक्स, टीरेक्स को मार के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा चलो ठीक है, तो फिलहाल अपने आज के वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।